तो अभी जो है कुछ दिन पहले आईपीएल चल रहा था, आईपीएल का फाइनल हुआ और जो है चेन्नई की टीम जीतती है। उसके बाद जो है एक सीन होता है कि रविंद्र जडेजा, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी आती है, उनके पैर छूती है, उनका सर जो है ढगा हुआ था, पूरा पल्लू उन्होंने लिया हुआ था। और सोशल मीडिया में ये चीज़ जो है वो बहुत वायरल हो रही है। वो पिक्चरें, वो वीडियो की देखिए कितनी संस्कारी हैं, कितनी जो है वो आज्ञाकारी हैं, पति के पैर छू रही हैं। आज के ज़माने में जो है ये कोई नहीं करता, वो कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ों पर जो है हम लोग जो है आम आदमी जो है वो बिल्कुल भावुक हो जाता है कि देखिए क्या बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत संस्कारी हैं। ऐसी चीज़ों में जो है हम जो है बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो कैपिटलिस्ट सोच का होता है, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना फ़ायदा देखता है। अगर आपने कोई साइकोलॉजी पर किताब पढ़ी होगी तो एक कॉमन बात आपको हर जगह देखने को मिलती है, जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी से फ़ायदा उठाना है, किसी से भी आपको लाभ लेना है, तो आपको उसी की तरह जो है दिखना चाहिए, उसी की तरह जो है आपको बिहेव करना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है और मैं उसके पास जाता हूँ कुछ काम के लिए और मैं बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ जाता हूँ, तो वो मुझसे चिढ़ और जाएगा, वो मेरा काम तो वहाँ नहीं बनेगा। तो ये जो है बेसिक सा उसूल है। और राजनीति के लोग जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं मोदी का ही एग्ज़ाम्पल लूँ, आप मोदी को गौर कीजिए, तो जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो मोदी का लुक आप नोटिस कीजिए, मोदी की दाढ़ी जो है वो बहुत लंबी हो जाती है और मोदी जो है कंधे पे जो है कपड़ा जो है टांग लेते हैं, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर वाला लुक जो है वो मोदी का हो जाता है। तो ये क्यों हुआ था? वो उस लुक के थ्रू जो है बंगाली वोटरों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही आप देखिए असम में जब चुनाव होने जाते हैं तो मोदी हर जगह जो है वो असमिया गमछा डाल के जो है जाते हैं, ताकि मीडिया वाले जब देख उनकी फ़ोटो लें, वीडियो लें, वो जब पब्लिश हो, पब्लिक जब देखे उसको, असम के लोग भी जब देखें तो वो गमछा देखें, तो उसके थ्रू जो है वो कनेक्ट हों। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है राजनीतिक व्यक्ति ध्यान रखता है। वैसे ही आप देखिए कि जब भी कोई विदेशी नेता के साथ मीटिंग होने जा रही हो भारत के अंदर और किसी राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, तो मीटिंग जो है वो उस राज्य में करवा ली जाती है और मोदी जो है बाकायदा वहाँ पे वही उस राज्य की जो परंपरागत ड्रेस है उसके हिसाब से जो है खुद को जो है वो कपड़े वैसे पहन के जाते हैं। तो आप इसको भी गौर कीजिए कि साउथ में जो है उनकी मीटिंग चल रही, किसी विदेशी नेता को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाया और मोदी जो है लुंगी में आपको दिख जाएंगे, साउथ की ड्रेस में दिख जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। यूपी में चुनाव होने जाएंगे तो जापान के प्रधानमंत्री को वाराणसी ले जाएंगे, गंगा आरती करवा देंगे। तो ये क्या होता है? ये पब्लिक से कनेक्ट करने की एक तरीका होता है। अब वैसे एक और एग्जाम्पल मैं दूँ केजरीवाल का, केजरीवाल को आप देखिए, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, शीश महल बनाता है, शीश महल में रहते हैं, लेकिन आप देखिए पब्लिक के सामने आते हैं तो एक ओवर साइज़ की शर्ट, सस्ती वाली शर्ट, उसको भी प्रेस नहीं करेंगे, आयरन नहीं है, सिकड़ी हुई है, चप्पल जो है बिल्कुल सादी सी पहन के घूमने आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गरीब दिखाना चाहते हैं, आम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आम लोग जो है इस तरह के कपड़े में होते हैं, जो आम जिनके उनको वोट चाहिए वैसे लोग जो है, तो उस गेटअप में आ जाता है वो व्यक्ति। वही व्यक्ति जब फॉरेन वॉरेन में घूम रहा होता है तो बिल्कुल राजाओं की तरह घूम रहा होता है। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। वैसे एक और नेता की बात करूँ, भगवंत मान, पहले जो है ये कॉमेडियन हुआ करते थे, एक्टिंग किया करते थे। आप इनकी पहले की तस्वीरें देखिए तो ये जो है क्लीन शेव होते थे, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बाल इनके छोटे छोटे होते थे, पगड़ी भी नहीं पहनते थे, यानी कि कहीं से भी जो है ये सिख की तरह नहीं लगते थे। पर राजनीति में आए, पंजाब से इनको जो है चुनाव लड़ना था, पंजाब से जीतना था, तो फिर आप देखिए इनके गेटअप में पूरा चेंज आ जाता है, दाढ़ी आ जाती है, पगड़ी आ जाती है और जो है पूरी तरह से जो है वो सिख की तरह जो है वो लुक में आ जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ जो है राजनीतिक व्यक्ति कितने अच्छे से समझता है। अब आप और एग्जांपल अगर मैं दूं, गांधी जी की बात करूं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। क्यों रहे हैं? कि वो लंगोट में घूमते थे और उस समय जो है देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट लिया था, अधिकतर भारतीय जो है वो ऊपर कुछ कपड़ा नहीं पहने होते थे, विशेषकर पुरुष। तो गांधी जी भी वैसे ही कपड़े पहनने लगे तो उनकी पॉपुलैरिटी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी, कितने जो है प्रसिद्ध हुए। वैसे एक दूसरे नेता की मैं बात करूं, अंबेडकर साहब की, इनको आप देखिए, ये कार में आते, बढ़िया सा सूट टाई वाई लगा के, बढ़िया से चमक चमाते हुए जूते वूते, बिल्कुल टिप टॉप में रईस व्यक्ति की तरह, अंग्रेज़ की तरह जो है बिल्कुल आते थे। आसपास के लोगों में, अपने क्षेत्र में जब जाते तो बिल्कुल इसी गेटअप में जाते थे।
और आप देखिए वो ज़िंदगी में एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। दलित बहुल इलाके से चुनाव लड़ते थे, वहाँ भी हार जाते थे। 10-20% वोट भी मुश्किल से दलितों के उनके मिलते थे, जबकि दलितों के नेता कहे जाते थे। तो आप देखिए यहाँ वो गलती करते थे और उसका रिज़ल्ट आप देखिए क्या होता था। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकली जो है इम्पोर्टेंट है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिससे भी आपको कुछ फ़ायदा लेना है, कुछ लाभ लेना है, तो कोशिश करिए कि उसके जैसा रहिए, जैसे उसकी वेशभूषा है, जैसा उसकी बोलचाल है, जैसा उसकी भाषा है, तो वैसा जो है आप मैच करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप मैच कर जाते हैं उतना क्या होता है कि अपनापन बनता है, एक कनेक्शन जो है वो बनता है कि ये भी हमारे जैसा है, तो फिर सामने वाला जो है वो वोट देने लगता है या दूसरे जो भी आपको लाभ लेने हैं वो मिल जाते हैं। अब आप देखिए, आप जो है रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी जो है राजनीति में है, चुनाव लड़ती हैं, विधायक हैं, तो राजनीति वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? पब्लिक से कनेक्शन ही तो चाहिए। तो ये कनेक्शन जो है उनको उस IPL के फाइनल के बाद जो है मिल गया, तो बढ़िया पल्लू डाल के वो आती हैं, पैर छूती हैं, और वो पता था उनको कि ये होना है, वायरल होना है, ये सब होना, तो ये इंटेंशनली किया जाता है। तो उन्होंने वो किया और जैसा होना चाहिए था, पब्लिक को का जैसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था वही रिएक्शन आया और सबको मज़ा आया। पर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो उनकी तस्वीरें आपको स्कर्ट में भी मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है पूरी नॉर्मल लाइफ में ही जो है ऐसी रहती हैं, बिल्कुल पल्लू वल्लू डाल के संस्कारी बहू टाइप, नहीं है वो ऐसी। लेकिन वो एक स्पेशल मौका था, उनको पता था कि यहाँ से मुझे राजनीतिक लाभ बहुत बड़ा मिल सकता है, माइलेज मिल सकता है, और जो मिल गया तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है लोकसभा के चुनाव हो तो उसका भी टिकट मिल जाए। तो ये चीज़ जो है इसलिए की जाती है। तो आप समझिए इस चीज़ को, इस पर जो है थोड़ा सा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का आदमी जो है वो सत्ता के लिए सोचता है, पैसे के लिए सोचता है, उन सारी बातों का उसके लिए जो है कोई मोल नहीं होता जिनका आम आदमी के लिए होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।